सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विनी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। तेरे तू दातिए असी मंगे ते तेरे तू दातिए असी मंगे ते तेरे तू दातिए हाथों की लकीरें दिखाओ माँ को। मेरे आंगता दे बिच खाली माँ लकीरा ने परमारनी दरबार का मेला जो कि हर अप्रैल के पहले शुक्रवार को होता है, इस बार 5 अप्रैल को होना निश्चित होया है। साढ़े प्रधान जी के आदेश के नाल अज तो असी शुरू कर दी है मुहिम। मेले का यह प्रोग्राम जो सवेरे 8 बजे तो लैके देर रात तक महाराणी की इच्छा तक चलेगा, जिस उत्तर भारत के सारे कलाकार आके महाराणी का आशीर्वाद लैणगे और इस तरह मेले तो बाद शुरू हो जा रहे हैं महाराणी के पावन नवरात्रे जो कि 9 तरीक तो लैके 16 तरीक तक चलणगे, जिस शोभा यात्रा श्री राम जी की शोभा यात्रा भी मां के इस दरबार तो निकलनी है, जो शहर की एक विशाल शोभा यात्रा हर साल होती है। और शोभा यात्रा के दिनों नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम का आयोजन होता है, जिस उच्च कोटि के बहुत सारे कलाकार आके महाराणी के दरबार में हाजरी भरते हैं और रामनामे की शोभा जिते बताते हैं और नवरात्रों में हर शाम माँ के नाम का हाजरी भी होंगी है, जिस एक नवरात्र एक कलाकार शाम को आके माँ के चरणों में अपनी चौंकी भरता है। 2 घंटे की लगातार इस चौंकी में भी भारत के महान कलाकार आके महाराणी का आशीर्वाद लेंदे। तो नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम का आयोजन, उस तो बाद है रामनामी की शोभा यात्रा जो महाराणी का आशीर्वाद लैके त्रिपुरमालनी माँ का आशीर्वाद लैके और तुहाडे सहयोग के नाल मंदिर कमेटी के प्यार के नाल बहुत ही धूमधाम के नाल मनाई जाती है। सारी संगत नोट करे, नवरात्रों की हर शाम जी शोभा यात्रा है वो आएगी और सब ने इस शोभा यात्रा
यात्रा विच पहुंच के अपना अपना योगदान पाना है और महाराणी का आशीर्वाद लेना है, प्रभु राम जी का आशीर्वाद भी थोड़े नाल होएगा।